अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आप लोग के लिए हैदराबादी दम बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूं, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनती है। तो रेसिपी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से ये कहूंगी कि अगर आप लोग को मेरी ये रेसिपीज अच्छी लग रही तो प्लीज़ इन्हें लाइक कीजिए, और नए देखने वालों से मैं ये कहूंगी कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को लाजमी प्रेस कीजिए, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक इजीली पहुँच सके। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं यूट्यूब पर नई हूँ, तो मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अब हम अपनी रेसिपी की तरफ आते हैं। हैदराबादी दम बिरयानी में सबसे पहले हमें दो अदद मीडियम साइज के टमाटर की जरूरत पड़ेगी, 5 से 6 ग्रीन चिलीज लेनी है, आप चाहें तो मोटी वाली ग्रीन चिलीज भी ले सकते हैं, 3 से 4 अदरक के टुकड़े हैं, साइज आप देख सकते हैं, 7 से 8 लहसुन के क्लोव्स हैं। तो अब हमें ये करना है कि टमाटर, हरी मिर्चें, अदरक, लहसुन इन्हें ग्राइंड कर लेना है। देखिए टमाटर, हरी मिर्चें, अदरक, लहसुन ग्राइंड हो चुके हैं, तो अब इन्हें हम एक तरफ कर लेंगे। अब ये गोश्त लिया है, ये 1/2 kg से ज़्यादा है, तकरीबन 3 पाव गोश्त है ये। ये मटन का गोश्त है, आप इसकी जगह बीफ और चिकन भी यूज़ कर सकते हैं। 1 कप योगर्ट है, 3 मीडियम साइज की अनियन है जिन्हें फ्राई कर लिया है। मेरे चैनल पर क्रिस्पी फ्राइड अनियन की रेसिपी मौजूद है, आप चाहें तो उधर से भी देख सकते हैं। 1 teaspoon लेमन जूस है, 1/2 cup से थोड़ा ज्यादा घी है, आप इसकी जगह ऑयल भी यूज कर सकते हैं। अब स्पाइसेस की तरफ आते हैं। 1 teaspoon सॉल्ट है, 1 teaspoon पिसा धनिया है, 1 teaspoon पीसी लाल मिर्च है, 1/2 teaspoon कुटी लाल मिर्च है, 1/2 teaspoon पिसा गरम मसाला है, 1/2 teaspoon हल्दी लेनी है। अब हम खड़े गरम मसालों की तरफ आते हैं। 1 tablespoon भर कर सफ़ेद जीरा है, 2 से 3 सेरेमन स्टिक्स हैं, 3 से 4 बड़ी इलायची हैं और 3 से 4 छोटी इलायची लेनी है, 10 से 12 काली गोल मिर्च हैं, 5 से 6 लौंगे हैं, 4-5 बिरयानी के फूल हैं, बादियान के फूल, 2 से 3 तेज पत्ते हैं, 1/2 teaspoon से थोड़ा कम पिसा हुआ जायफल जावित्री है। अब हमें गोश्त में सबसे पहले 2 tablespoon घी ऐड करना है। ग्राइंड किए हुए टमाटर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च ऐड करेंगे, फिर दही ऐड करना है, लेमन जूस ऐड करेंगे जो 1 teaspoon है, फ्राइड अनियन ऐड करेंगे, पिसी जायफल जावित्री ऐड करेंगे, स्पाइसेस ऐड करेंगे, और फिर इन सबको हम मिक्स कर लेंगे और फिर मैरिनेट होने के लिए 1.5 से 2 घंटे के लिए रख देंगे, आप चाहें तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं। देखिए 1.5 से 2 घंटे गुजर चुके हैं, तो हमारा गोशा मैरिनेट हो चुका है। अब हमने पैन में घी ऐड किया है, बाकी बचा हुआ फिर इसमें हम साबुत गर्म मसाले ऐड करेंगे, तेज पत्ते, बिरयानी के फूल, सेरेमन स्टिक्स, काली गोल मिर्च, छोटी इलायची, लौंगे,
जीरे, इन तमाम गरम मसालों को हमने थोड़ा बचा लिया है क्योंकि वो राइस में ऐड करेंगे हम बॉईल करते टाइम। अब हम इसमें जब इसका भगाड़ लग जाएगा, हल्का सा कड़कड़ा जाएंगे साबुत गरम मसाले, तो फिर हम इसमें मैरिनेट किया हुआ अपना मटन ऐड कर लेंगे और फिर इसको पकने के लिए 25 से 30 मिनट के लिए रख देंगे। देखिए 25 से 30 मिनट गुजर चुके हैं, हमारा गोश्त ज़बरदस्त सब गल चुका है, लेकिन इसे बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना है, थोड़ा पानी छोड़ना है इसमें। और बहुत ही ज़बरदस्त इस वक्त खुशबू भी आ रही है। अब हमें जो चावलों में चीज़ें ऐड करनी हैं, उसमें हमें थोड़ा दूध में ज़र्दा रंग घोल कर ऐड कर लेना है, एसेंस है बिरयानी का 1 टीस्पून, या आलू हैं जिन्हें, ये 3 अदद आलू हैं मीडियम साइज़ के, इन्हें बॉईल कर लिया है थोड़ा सा ज़र्दे का रंग डालकर और नमक डालकर, तो ये बॉयल आलू हैं। पुदीना है 1 हैंडफुल, हरा धनिया लेना है 1 हैंडफुल, ग्रीन चिलीज है 10-12, ये हमें लेयर में यूज करने हैं, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, इसके अलावा राइस में भी ऐड करेंगे बॉईल करते हुए। दो ग्लास चावल लिए हैं, इन्हें 1.5 से 2 घंटे के लिए मैंने भिगा के रख दिया था, सेला चावल हैं, तो फिर अब इसे बॉईल करने रख दिया है और फिर बाकी बचा हुआ जो साबुत गर्म मसाला है हम वो ऐड कर लेंगे इसमें, और 3 टेबल स्पून इसमें सॉल्ट ऐड किया है चावलों में बॉईल करते हुए। और साथ ही इसमें पुदीना, हरा धनिया और हरी मिर्ची भी ऐड कर लेंगे थोड़ी, और बचा लेंगे आधी से ज़्यादा हम, वो हम लेयर के वक्त यूज़ करेंगे। और फिर राइस को बॉईल करने के लिए रख देंगे। देखिए ये बबल्स आने लगे हैं राइस में, तो हम 1 टीस्पून इसमें विनीगर ऐड करेंगे। विनीगर ऐड करने का मकसद ये है कि चावल हमारे बहुत अच्छे बनेंगे, खिले खिले और टूटेंगे नहीं। चावल हमारे बॉयल हो चुके हैं, उनको एक तरफ कर दिया है, अब हम लेयर लगा रहे हैं, तो बिरयानी का मसाला पैन में मौजूद है, उसके ऊपर मैंने बॉयल आलू ऐड किए हैं और फिर हम इसमें राइस, इसके ऊपर राइस ऐड करेंगे बॉयल किए हुए। देखिए कितने ज़बरदस्त से खिले खिले चावल बने हैं हमारे बॉयल हुए। फिर जर्दा रंग ऐड करेंगे जो दूध में घुला हुआ है, और फिर बिरयानी एसेंस ऐड करेंगे। फिर उसके बाद पुदीना और हरा धनिया, हरी मिर्ची, ये सब ऐड कर देंगे। और फिर फ्राई अनियन है, ये थोड़ी बचा ली थी, ये भी इस पर ऐड कर लेंगे। अब लिड लगा देंगे और फिर इसे 10 से 15 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। पहले मीडियम फ्लेम पर रखेंगे, फिर उसके बाद इसकी फ्लेम स्लो कर देंगे। देखिए 10 से 15 मिनट गुजर चुके हैं, अब हम अपनी बिरयानी को मिक्स करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सी बिरयानी बनी है, बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू भी आ रही है, आप लोग खुद देख सकते हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा पसंद आएगी ये रेसिपी। यहाँ पर हैदराबादी दम बिरयानी बनकर रेडी है, तो मुझे आप लोग फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
तो इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।